नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का नव भारती परिवार में मैं स्वागत करता हूं। मैं विजय कुमार सेन आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक से बढ़कर के एक मैजिक मैथ की ट्रिक्स। और आज की ट्रिक्स में आज हम फिर से कुछ धमाका करने वाले हैं आप लोगों के लिए और देखेंगे कि आज क्या स्पेशल होने वाला है। तो चलते हैं बिना समय गवाए और हमारा आज का जो पहला मल्टीप्लाई जो है यूनिवर्सल ट्रिक है, सार्वभौमिक ट्रिक है, ठीक है। और इतने बड़े मल्टीप्लाई को भी हम एक सेकंड में करके दिखाएंगे, चुटकियों में करके दिखाएंगे बिल्कुल ही। तो चलते हैं, देखिए अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या नंबर है मल्टीप्लाई, इतना बड़ा नंबर दे रखा है, इसको करने में अगर हम टाइम लगाए तो वन कैसे करते हैं, वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन वन को वन से किया, फिर वन, काफी बड़ा तो इसमें मैटर हो जाएगा और काफी समय लग जाएगा, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक से आप इसको सेकंडों में कर दोगे। तो सीखते हैं वो ट्रिक क्या है। देखिए सबसे पहले हम वन एक का जो अंक है उस एक अंक की बात करेंगे, ठीक है। यहां पर इलेवन है और यहां पर इलेवन है। देखिए सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां घुमा दो किनारे तो अपने आप बदल जाएंगे। थोड़ा सा देखने का जो नजरिया है आप लोगों का बस उसको बदलना पड़ेगा। यहां पर आपने अब तक देखा था 11 मल्टीप्लाई बाई 11, अब आपको क्या देखना है कि यहां पर देखना है कि 1 की डिजिट कितनी है, 2। 1 की डिजिट कितनी है, 2। सो सिंपल हमने लिखा 1 एंड 2। कितनी बार 1 लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया 1 और 2। अब 2 पे चल के हम वापस 1 पे पहुंचना है हमें, तो 2 लिखा हुआ है, वापस 1 पे पहुंचेंगे तो इसकी दशक बाद क्या जाएगा, 1। कुछ कम समझ में आया, चलो एक अंक और बढ़ा के लेते हैं। 1 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1। कुछ नहीं करना, कितनी संख्याएं हैं इधर 1 की, 3, इधर भी 3 संख्याएं हैं, देखते हैं। हमने लिखा 1 2 एंड 3, हमें वापस 1 पे पहुंचना है, 3 के बाद में वापस पहुंचने के लिए क्या लिखूं, 2 और 1। बोलो आंसर आ गया, कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया, एक छोटी सी। चलो और आगे बढ़ा करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, अब तो कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया होगा, 1 2 3 4 5 6, अब तो कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया होगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, अब वापस 1 पे पहुंचना है तो 6 के बाद उल्टी गिनती शुरू करो, 5 4 3 2 1, आंसर हमारे सामने है। सो सिंपल, इतना बड़ा मल्टीप्लाई और इतने से इस समय के अंदर, बोलो मजा आया। तो चलते हैं दूसरे नंबर की ओर, ये एक का अंक था, अब हम 9 के अंक के साथ खेलने वाले हैं, 9 के अंक के साथ मस्ती करने वाले हैं बीच का, ठीक है। तो चलते हैं 9 के अंक की ओर। देखिए ये 9 एंड मल्टीप्लाई बाई 9, ओके सब जानते हैं 9 9 81, यस 9 9 81, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, 99 मल्टीप्लाई बाई 99, यहां तक तो सब था लेकिन 99 99 9 99, मतलब 99 को मल्टीप्लाई 99 से करेंगे थोड़ा सा मामला उलझ जाता है, फिर भी हम कर लेते हैं चलो, लेकिन सिंपल वे में कैसे करना है, बात तो सिंपल तरीके से करने की है ना। देखो कुछ नहीं रे, 81 का 81 लिखो, ठीक है। इस 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था, 81। एक्स्ट्रा क्या आया, 9
एक्स्ट्रा 9 आया, इधर भी एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक 9 और आ गया, कुछ नहीं करना। इधर एक्स्ट्रा 9 आया, इधर भी एक्स्ट्रा 9 आया, दो अंक बढ़ गए, दो अंक उधर बढ़ा दो। दो अंक कौन से बढ़ाने हैं? एक तो 0 यहां लिख दो और एक 9 यहां लिख दो। समझ में आया? थोड़ी सी उलझन है। चलते हैं अगले टॉपिक की, अगले क्वेश्चन की, थोड़ा सा बड़ा देखते हैं। ये देखो, नाइन नाइन जा 81, नाइन नाइन जा 81 याद रखो। देखिए, नाइन नाइन जा 81 तो लिख दिया, उसके बाद में कितने डिजिट बचे? नाइन नाइन जा 81 तो हो गया, उसके बाद टू डिजिट बचे, तो टू डिजिट बचे तो इन टू डिजिट को यहां लिख दो 99। इधर भी टू डिजिट बचे हैं तो लिख दो 00। आंसर आ गया, कुछ नहीं किया। चलते हैं थोड़े से और बड़े की ओर। देखिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये लो, इतना बड़ा मल्टीप्लाई। छोटे बच्चों देखकर डर जाते हैं, सर इसको कैसे करेंगे? गलती से अगर किसी बच्चों ने एग्जाम दे दिया तो एग्जाम में उसको देखते बुखार आ जाएगा। कई बच्चों का एग्जाम फोबिया होता है, एग्जाम के नाम से बुखार आता है, और गलती से इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल ही तो स्कूल नहीं जाएगा। देखिए, सो सिंपल कैसे करना है, 99 जा 81, थोड़ा दूर लिखो, अभी और भी समावेश होने वाला है। 99 जा 81, ठीक है, हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। क्लियर आया मजा कुछ? तो हम आज 9 के नंबर के साथ प्लेइंग कर रहे हैं, और हमने पहले 1 का जो अंक था, एक की जो संख्या थी, उस एक अंक के साथ हमने शुरू किया, और अब हम 9 के अंक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम 9 के अंक के साथ मैजिक अपना रहे हैं, ठीक है। 9 के अंकों के लिए अब हम फिर आगे चलते हैं, एक थोड़ा सा कुछ चेंज करके देखते हैं। आज हमें 9 के अंकों के साथ खेलना है, 9 जो नंबर है उसके साथ प्ले करना है। तो हमने यहां पर 99 जो डिजिट है वो ली, और 99 डिजिट जो है उसको मल्टीप्लाई किया 65। देखिए, टू डिजिट का मल्टीप्लाई आपको मैं सिखा चुका पहले, लेकिन यहां पर 99 का नंबर है, कहते हैं ना 99 का चक्कर, आज हम उस 99 के चक्कर की बात कर, कि 99 जो है, या आगे कितने भी 9 लगाते हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 99, इधर भी टू डिजिट, इधर भी टू डिजिट है, 99 एक तरफ आना जरूरी है, और हमने मल्टीप्लाई किया तो सो सिंपल है बिल्कुल, जो अंक दे रखा है उसमें से सबसे पहले आपको 1 लेस करना है। अगर 65 लिखा हुआ है तो 64 लिखेंगे, तो हमने लिखा यहां पर बिना कुछ जोड़ बाकी किए 64, ठीक है। अब 64 लिखा हुआ है तो देखो, इधर 99 लिखा हुआ है, तो क्या करना है, ये जो 6 है और इधर 9 दे रखा है, ये जो 4 है इधर 9 दे रखा है, 9 में से मैंने 6 को लेस किया तो आया 3, इस 9 में से मैंने 4 को लेस किया तो आया 5, 6 4 3 5 6 4 3। छोटी सी ट्रिक से फटाफट सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, देखिए 38 मल्टीप्लाई बाई 99, 37
हमने एक नंबर का हमको लिखना है, 38 लिखा, 37 लिख दो, 3 9 9 में से 3 लेस किया 6, 7 9 9 में 7 लेस किया 2, 3 7 6 2। थोड़े से बड़े नंबर की ओर चलते हैं, ये तो 2 डिजिट का था, यहां तक तो हो जाता है। देखिए 5 6 8 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9, 5 6 8 मल्टीप्लाई बाई 9 9 9, वही ट्रिक है, कोई चेंजेस नहीं है। सबसे पहले एक कम करेंगे, 5 6 8 में से 1 लेस किया हमने, तो यहां पर हमारे पास जो नंबर है वो है 5 6 7, 5 6 7। अब इस 5 6 7 जो है इसको हमें क्या बनाना है, 9 9 9, मतलब इसमें से लेस करना है, 9 में से 5 को लेस किया तो हमारे पास जो नंबर है वो है 4, 9 में से 6 को लेस किया तो वो नंबर है हमारे पास 3, 9 में से 7 को लेस किया वो नंबर है 2। सो सिंपल वे, एक सेकेंडों के अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे बड़ा भी ले सकते हैं, यहां पर हमने इसको बड़ा दूसरा नंबर लेते हैं, कोई 6 3 2 8 मल्टीप्लाई बाई 9 9 9 9, 4 टाइम 9 है, एक कम करके लिखना है 6 3 2 7। ओके, आगे वही 6 9 9 में से 6 लेस किया हमारे पास 3, 9 में से 3 लेस किया 6, 9 में से 2 लेस किया 7 और 9 में से 7 लेस किया 2, हमारे पास जो नंबर है वो है 6 3 2 7 3 6 7 2। इतना बड़ा मल्टीप्लाई कुछ ही सेकंडों में हम करने के लायक हो जाते हैं, अगर छोटी सी ट्रिक को आपने ध्यान में रखा। चलते हैं दूसरे मेथड की ओर, बात करेंगे थोड़े से और छोटे लेवल की बात भी करेंगे, ठीक है। देखते हैं पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, हमने यहां पर नंबर लिया 9 9 9 और यहां पर 2 डिजिट का नंबर कोई दिया हुआ है, इधर 3 डिजिट के 9 9 दिया हुआ है, उधर 2 डिजिट का नंबर दिया हुआ है। अब 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई हमें करना है, तो सबसे पहले इसको 3 डिजिट का बनाओ, ठीक है। 0 85 हो गए, 0 लगाने से 85 में कोई चेंजेस नहीं, वो 85 ही रहेगा। अब देखिए 0 85 जो है 9 9 9 को हमें कुछ नहीं करना, जो नंबर इसके अलावा दे रखा है उसमें से हमें 1 लेस करना है, 1 लेस किया तो 0 85 का क्या हो जाएगा, 0 84। क्लियर, हमें इसको नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी, 9 9 9 उधर भी हो सकता है, 9 9 9 इधर भी हो सकता है, ठीक है, जिधर भी 9 की डिजिट दे रखी हो उसे हमें चेंज नहीं करना है। अब 85 में से 1 लेस किया, क्या नंबर आया, 84। अब 084 हमारे सामने है, अब इस 084 को हमें क्या करना है, इसमें से लेस करना है, 9 में से 0 माइनस किया तो क्या आया 9, 9 में से 8 माइनस किया तो क्या आया 1, 9 में से 4 माइनस किया तो क्या नंबर आया 5। तो ये इसका राइट आंसर है, तो एक छोटी सी ट्रिक, ठीक है। चलते हैं दूसरे नंबर की ओर, देखिए नाइन नाइन नाइन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 007, 007, 007 क्यों लिया बताया मैंने आपको, केवल 7 एक डिजिट है, लेकिन हमें इसके कंपैरिजन में बराबर करने के लिए 00 पुट किया, डबल 00 पुट किया तो इसको भी 00 यहां पर मेंशन कर दो। 7 में से 1 माइनस करना है, क्या आंसर है 6, 7 में से 1 माइनस किया 6, ठीक है। अब देखो इसको माइनस करो, 9 में से 0 माइनस किया 9, 9 में से 0 माइनस किया 9, 9 में से 6 माइनस किया तो आंसर क्या आया 3। बिल्कुल छोटा डिजिट का मल्टीप्लाई भी है, अभी इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अभी थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ये हमने बड़ा कर दिया, ओके, ये लो। अब उसी नंबर को हमने बड़ा कर दिया, तो बड़ा कर कैसे करेंगे,
सो सिंपल है 887 ये लो 883 हो गया 883 को मल्टीप्लाई किया 999 से तो सबसे पहले वही एक माइनस किया तो क्या नंबर आ गया 882 फिर 9 में से 81 किया लेस किया तो क्या नंबर आया 1 9 में से 8 लेस किया क्या नंबर आया 1 9 में से 2 लेस किया क्या नंबर आया 7 सो सिंपल उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी ठीक है आप इसको करके देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएं कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी अगर इसमें कोई सजेशन हो तो बिल्कुल आपका स्वागत है आप अपने व्यूज हमें अपने कमेंट्स के द्वारा बताते रहिएगा ठीक है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत